गुड मॉर्निंग शुभ विजया विजया तुम सब आशीर्वाद ने कि पढ़ाशुना करो तो ना ठाकुर देखे खूब ठीक है ठाकुर देखे भलो करपर काली पुजा आसी पटका एक दूरे थको हाँ निजे कम फटाबे जेखने फटाफटी हो मैं बजी पटका फाटबे से देखो हमें जो तो करब एकाशी पतारी अनुशीलन 33 किस लेखा अंक आज ये लेखा अंकगल क्योंकि वर्गमूल ही अंक से अंकगल क्यों करब एक देखे देखो प्रथम एक जगह अंक देखिए अंकटा पढ़ी जो एक संख्या अपर एक धनात्मक संख्यार द्विगुण जदि तर गुणफल 1250 है तो संख्यागुल संख्यागुल मैं एक संख्या अपर दो संख्या चेहरे वो दो संख्या की है से बेर करते हैं एक संख्या अपर एक धनात्मक संख्या देखो तुम्हारे धनात्मक कथा पढ़ो धनात्मक मैंने हमें जे सब संख्या पढ़े सब ही मैं पढ़े अंक सब ही धनात्मक संख्या तमें ये चिन्हयुक्त संख्या एर पर तुम जब बड़ो है देखो तुम फाइव पर बच्चे पढ़े सिक्स ये ऋणात्मक संख्या जेटा यम संख्या आज है ओर माइनस चिन्हयुक्त संख्या से ऋणात्मक संख्या बोल और हमें एत दिन क्लस वन ये पढ़े सब ही धनात्मक संख्या दिए पढ़े से चिन्हटा चिन्हटा दिए कोई अंक पढ़ी किंतु हमें एखे एड़िए जाब क्लस सिक्स के तुम्हारा ऋणात्मक संख्या सम्बन्धे डिटेल्स जानवे और क्यों क्यों से जानव भाग हाँ क्योंकि आज के धनात्मक संख्या जिस संख्या पढ़ी सब ही धनात्मक संख्या से अत जा और बोटी जो लेखा है धनात्मक संख्या तमाम जो अंकन करब सब धनात्मक संख्यायुक्त अंक ही कर एक संख्या अपर संख्य द्विगुण ये बोले दीज अंकर मध्य तेल जो अपर संख्य चाहिए ये एक संख्या आज तरह द्विगुण दुई गुण तो अपर संख्या क्या है दुई गुण तो एक संख्या मैं एक द्विगुण तो अपर संख्या दुई गुण तो एक संख्या अपर संख्या कि दुई गुण तो एक संख्या और एक संख्या कि एक संख्या एबार प्रश्न जमन बला दुजार गुण फल हे 1250 তাহলে একটি সংখ্যা গুণিত অপর সংখ্যা সমান 1250 তাহলে অপর সংখ্যা জায়গা কি লিখলাম দুই গুণিত একটি সংখ্যা তাহলে এটা হচ্ছে অপর সংখ্যা জায়গা লিখলাম আর এটাতে একটি সংখ্যা জায়গা লিখতেই হবে তাহলে একটি সংখ্যা গুণিত অপর সংখ্যা সমান 1250 তাহলে অপর সংখ্যা জায়গা কি লিখলাম দুই গুণিত একটি সংখ্যা মনে রাখবে তারপরে দেখো এটা আমি বাদ দিয়েছি সেটা সমান ঠিক না আছে বলে বা দেখো একটি সংখ্যা গুণিত একটি সংখ্যা যেমন দুই গুণিত দুই কি লিখব দুই গুণিত দুই हमें लिखते हैं तो दुई माता है दुई यदि पाँच गुणित पाँच है हमें कि लिखी पाँच माता है दुई चलो एक संख्या माता दुई लिख गुणित समान देखो हमें दुजन की क्यों दुई दिए भाग पड़े जाए एक दुई दिए भाग पड़े दुई कटे जाए बाद पड़े जाए और एक दुई दिए भाग पड़े 1250 दुई मैं एक देखने मतलब कि लिखे दुई दिए भाग पड़े भाई मैं दुई दिए भाग पड़े उभय पक्ष की करते हैं मैं एक दुई दिए भाग पड़े हमें एक दुई दिए भाग पड़ो जा करो दुजन की करते एब देखो पास वर्गमूल कर पाए एक वर्गमूल कर वर्गमूल कर दो एक वर्गमूल कर कथा है दुई है और एक वर्गमूल कर कथा है पाँच है सरकम एक संख्या माथा दुई तम एक संख्या वर्गमूल कर एक वर्गमूल चिन्ह दीजिए एक वर्ग एक पुरस्कार वर्गमूल एक बांगला कथा पाँच मिनट पाँच मिनट पाँच मिनट पाँच इमारे पढ़ा एक मध्य एक पड़ो ये कत पड़ो पाँच मिनट पाँच मिनट पच्चीस তাহলে একটি সংখ্যা কত হলো একটি সংখ্যা হলো 25 আর অপর সংখ্যাটা কি হলো 25 গুণিত 2 সংখ্যা হলো 50 আর সংখ্যাটা পেয়ে গেলাম তাহলে একটি সংখ্যা 2 অপর সংখ্যাটি হলো 50 এখন ধরে দেখো একটা অঙ্ক দেখাচ্ছি নিয়ে এরকম করে না এটা একটু ওরই মধ্যে ছোট তিনের কি বলে দেখো যে দুটি ধনাত্মক সংখ্যা না তিনেরটা বলেছে 1244 থেকে কমপক্ষে কোন সংখ্যা বিয়োগ করলে বিয়োগফল পূর্ণবর্গ হবে তাহলে 1244 এর থেকে কত বিয়োগ করলে বিয়োগফলটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে তাহলে এটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা নাকি দেখে নিয়ে একবার কি করব একে প্রথমে বর্গমূল করে দিচ্ছি তাহলে এখন কত হবে 3 3 কত 4 4 16 তাহলে 3 হবে 3 3 কে 9 বিয়োগ করে 3 দিতে 4 16 এবার একে দুই দিয়ে গুণ করলে কত হবে 3 2 छम एक संख्या नीते जा छोटे अथवा समान देखा जा कत है
উত্তর কি চেয়েছে কমপক্ষে কোন সংখ্যা বিয়োগ করবে, উত্তর কি লিখব, অতএব কমপক্ষে এই পনেরোটা, এই পনেরো যদি না থাকতো তাহলে এটা পূর্ণবর্গ হয়ে যেত, তাহলে কমপক্ষে পনেরো বিয়োগ করতে হবে। কি উত্তরটা হলো, কমপক্ষে পনেরো বিয়োগ করতে হবে, বুঝতে পারলাম, যেটাই ভার্সেস থাকবে সেটাই উত্তরটা হবে। হ্যাঁ কাজে আবার এরপর দিন আর একটু করবো।